कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इक्वेल बता रही होती है अपने फादर को कि उसके ग्रैंड मास्टर ने कहा था कि हमें मार्शल आर्ट में अपनी जगह खुद बनानी होती है और इसीलिए मैं आपका ये टोकन एक्सेप्ट नहीं करूँगी, इसे आप वापस रख लीजिए। और इस बात पर फादर भी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तो चलो साउसी के बारे में बात करते हैं, तो तुम मुझे बताओ। और क्वालनी जो है वो साउसी की तारीफ करने लग जाती है और फादर कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में वो पसंद है, जिस पर क्वालनी कुछ नहीं कहती। जिसके बाद हमें साउसी और वूजिन को दिखाया जाता है जो कि वापस आ रहे होते हैं और रुये के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद वूजिन कहता है कि तुम इतने ज़्यादा वियर्ड एक्सप्रेशंस क्यों दे रहे थे जब मैं तेंकाई सिटी के बारे में बात कर रहा था, तुम्हारा होम टाउन कौन सा है, सबका होम टाउन होता है। जिस पर साउसी उससे उसका ही होम टाउन पूछने लग जाता है और कहता है कि इसका क्या मतलब होता है। और वूजिन बताता है कि होम टाउन जिसमें हमें एक ना एक दिन वापस ज़रूर जाना पड़ता है। जिस पर साउसी उसी रिटर्न वर्ड के बारे में सोचने लग जाता है और कहता है कि सही कहा तुमने। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैंग फेंग और शाओसी होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं प्रिंस बाई यानी कि शाओचोंग के बारे में कि उसने तुम्हें 3 डेज दिए थे और वो तुम्हें यहाँ से वापस लेके जाएगा, क्या तुम मना नहीं करोगे। जिस पर शाओसी कहता है कि वो प्रिंस बाई है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसे मना कर पाऊंगा। जिस पर चैंग फेंग कहते हैं कि मुझे नहीं पता और काफ़ी ज़्यादा उसे समझाते हैं और कहते हैं कि मेरे ओपिनियन से तुम्हें एक बार तेंकाई सिटी ज़रूर जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही टाइम है लॉर्ड लोंगिये के मर्डर के बारे में पता करने का, तुम्हें वहाँ जाकर एक बार इसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। लॉर्ड लैंग यू बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन थे और मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा। ये सब बताने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और जो साउसी है वो चैंग फेंग की बातों को ही याद करने लग जाता है। जिसके बाद हमें साउसी को दिखाया जाता है जो अजीब सी जगह पे होता है और वहाँ पे हमें वूशिन को भी दिखाया जाता है और साउसी उससे कहता है कि क्या तुम्हें हमेशा यही जगह मिलती है रहने के लिए, और वूशिन कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। जिस पर साउसी कहता है कि ये मेरा सपना है, तुम हमेशा मेरे सपने के अंदर क्यों घुस जाते हो। जिस पर वूजिन उससे प्रॉब्लम पूछता है और कहता है कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो। जिस पर शाओसी उसे कुछ भी नहीं बताता और वूशिन उसे काफ़ी चीज़ें समझाता है और उसका समझाने पर भी शाओसी के ऊपर कोई असर नहीं कहता और कहता है कि मुझे इसमें बहुत सारे डाउट हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंग फेंग और प्रिंस बाई यानी कि सोंग चोंग होता है और वो दोनों आपस में शाओसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसके दिए हुए टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है और वो अब उसे वापस लेके जाएगा। जिस पर शाओचोंग जो है वो चैंग फेंग को कहता है कि वो शाओसी को अच्छे से भेजने की तैयारी कर दें और जो चैंग फेंग है वो कहता है कि अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कभी भी साउसी को तेंकाई वापस जाने नहीं दूंगा, मुझे लॉर्ड लोहंगिये की मौत का बहुत ज़्यादा अफसोस है और इसीलिए मैं तो वहाँ पे ना जाना चाहूँगा और ना ही साउसी को जाने दूंगा, लेकिन ये साउसी के ऊपर है कि वो जाना चाहता है या नहीं। लॉर्ड लोहंगिये जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे और जेंटलमैन पर्सन थे और एम्परर चाहे कितना ही कर ले लेकिन वो लॉर्ड लोहंगिये की जगह नहीं ले सकते मेरे लाइफ में। जिस पर शाओचोंग कहता है कि तुम्हारे वर्ड्स ऐसे लग रहे हैं जैसे कि तुम रेवल करने वाले हो। जिस पर चैंग फेंग मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा लॉयल हूँ, बस मैं लॉर्ड लोंगिये के साथ हूँ, हमेशा उन्हीं का साथ दूंगा। और उनकी बातों के बाद यहाँ पे हमें शाओचोंग को शाओसी के पास दिखाया जाता है और वो कहता है कि 3 दिन का टाइम खत्म हो चुका है सो अब तुम हमारे साथ वापस चलो। जिस पर शाओसी जो है वो चैंग फेंग की बातों को याद करके उन्हें सीधे सीधे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसकी सच्चाई के बारे में मुझे पता करना है और जिसको मैं पहले से ही जानता हूँ। जिस पर शाओचोंग कहता है कि तुम एम्परर के ऑर्डर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और इस पर भी साउसी नहीं मानता और उसे सीधे मना कर देता है कि वो उसके साथ तेंकाई सिटी नहीं जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों की काफी सारी बातें होती और अभी भी साउसी जो है वो तेंकाई सिटी जाने के लिए नहीं मानता, वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद शाओचोंग जो है वो अपने सर्वेंट को कहता है कि साउसी को रोके, लेकिन तभी वहाँ पे क्वेनलियो आ जाती है और वो सर्वेंट को साउसी के पास आने से रोक देती है। जिसके बाद यहाँ पर क्वेनलियो और सर्वेंट की फाइट होती है और यहाँ पर क्वेनलियो को बचाने में साउसी जो है उसको वो तलवार लग जाती है और उसको तलवार मारने के बाद शाओचोंग अपने सर्वेंट के साथ बाहर आ जाता है और सर्वेंट है वो शाओचोंग से पूछता है कि अब हमें क्या करना है, हम एम्परर को क्या बताएंगे। जिस पर शाओचोंग कहता है कि ये सब मेरा प्लान था, साउसी को 3 डेज देना और एम्परर को क्या कहना है वो सारी चीज़ें मुझ पे छोड़ दो। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि चैंग फेंग जो है वो शाओचोंग को छोड़ने के लिए आते हैं और शाओचोंग जो है वो बता देता है चैंग फेंग को कि साउसी मेरे साथ तेंकाई सिटी में नहीं जा रहा और वो उनसे पूछता है कि अगर लॉर्ड लुये के को मैं भी लाइक करता तो क्या आप सब मेरे साथ होते। जिस पर चैंग फेंग कहते हैं कि ये डिफरेंट बातें हैं, वो साउसी को पसंद करते हैं क्योंकि वो लॉर्ड लोंगिये को पसंद करते थे। जिसके बाद यहाँ से शाओचोंग चले जाते हैं और हमें शाओचोंग को थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो अपने सर्वेंट से कहता है कि वुशियान सिटी जाना है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में वूशिन को दिखाया जाता है जिसके पास ये ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन आता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है इसीलिए मैं तुम्हें देखना चाहता था। और उनकी आवाज़ें सुनकर वूशिन वहाँ पे आता है और कहता है कि तुम मुझे देखना चाहते थे, अब तुमने मुझे देख लिया तो जाओ यहाँ से। इस पर ये पर्सन उससे बैठकर बात करने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें इन दोनों को बैठकर बात करते हुए दिखाया जाता है जिसमें सबसे पहले ये मिंघाओ के बारे में बताता है जो कि पीछे ही खड़ा था और इस पर वूशिन कहता है कि ये तुम्हारे ड्रग की वजह से ऐसा है, इसे कुछ भी याद नहीं है सो इसमें मैं तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता, तो अब मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और ये ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन बताता है कि उसका लास्ट नेम शाओ है और जिस पर वूशिन बता देता है कि उसे पता है कि तुम शाओ यू हो प्रिंस जी,
द सेवन सन्स ऑफ एम्परर मिंगदी। अब जरा काम की बात बता दो, जिस पर ये शाओ यू जो है वो बताता है कि मुझे एक पर्सन को मारना है, क्योंकि जब तक वो है तब तक मेरा कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। और वो उसका भी सरनेम शाओ बताता है, जो कि साओ चोंग होता है। जिस पर वो जिन समझ जाता है कि ये शाओ सी की बात कर रहा है, क्योंकि साओ चू ही जो है शाओ सी का रियल नाम है और उसे भी ऐसे ही बुलाया जाता है। और ये अच्छे से जानता है कि ये शाओ सी के बारे में बात कर रहा है। जिसके बाद साओ यू कहता है कि मैंने सुना है कि तुम उसके बहुत ज़्यादा करीब हो, वो तुम्हारा फ्रेंड है। जिस पर वूशिन हाँ कहता है और कहता है कि फिक्र मत करो, वो मेरा फ्रेंड है लेकिन मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। यहाँ पर ही काफ़ी सारी बातें करते हैं, जिससे पता चलता है कि जो शाओ यी है वो ये दिजाई का बेटा है और वूशिन का 2 साल बड़ा भाई है, और इसी के नाते वूशिन उसकी बात मान चुका है। और वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कि प्रिंस बाई साओ चोंग जो है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज़ चाहिए। और वो आगे आके मिंगदाओ को मांग लेता है, जिस पर सायू सोचता है कि वूशिन उसकी हेल्प कर रहा है इसीलिए वो मिंगदाओ को दे देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में शाओसी को दिखाया जाता है, जिसके पास चैन फेंग और तेंगलाई आते हैं, और वो शाओसी उनसे पूछता है कि क्या साओ चोंग चला गया, और चैन फेंग बताते हैं कि हाँ वो जा चुका है। और तेंगलाई उससे पूछता है कि उसकी हेल्थ कैसी है, क्योंकि क्वानली से उसे पता चला कि उसको स्कॉर्ड लग गई थी। जिस पर साओसी कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद चैन फेंग जो है वो तेंगलाई को कहता है कि मिस ये रू ये जो है उसे टैंकलाइन में ले जाए ताकि उसकी हेल्थ में थोड़ा सुधार आ सके, क्योंकि उसकी डिजीज काफी ज्यादा बढ़ गई है, अगर वो फ्री है तो वो ये काम कर दे। जिस पर तेंगलाई मान जाता है, और जैसे ही वो जा रहा होता है तभी वहाँ वूजिन आ जाता है और वो तेंगलाई से कहता है कि ली फोन क्लैंस हीरो बैंक्वेट स्टार्ट होने वाला है, तो वो इस टाइम अभी कहाँ जा रहा है। जिस पर तेंगलाइन बताता है कि वो तेंगलाइन जा रहा है और कुछ टाइम बाद यहाँ पे वापस आ जाएगा, और जब वो वापस आएगा तो वो उसे ज्वाइन भी करेगा, क्योंकि वूजिन तेंगलाई के पास इसीलिए आया है ताकि वो ली फोन बैंक्वेट में उसे अपने साथ ज्वाइन करवा सके। और ये बात सुनकर वूजिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि तेंगलाई उसे ज्वाइन करेगा। जिसके बाद वो साओसी से पूछता है कि साओसी क्या तुम ज्वाइन करोगे, जिस पर उसकी तरफ से चैंग फेंग मना कर देता है और कहता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा बिजी है इन सारे अकाउंट्स में। और तभी जो साओसी है वो हाँ कर देता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वुशियांग सिटी का, जिसके पास शाओ चैंग उसका सर्वेंट आता है। वो यहाँ पर सिटी लॉर्ड के बारे में पूछते हैं और वुशियांग कहता है कि मैं ही सिटी लॉर्ड हूँ। और ये देखे सर्वेंट हैरान हो जाता है कि यहाँ पर एक छोटा बच्चा सिटी लॉर्ड है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वुशियांग जो है वो उनके पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर साओ चोंग कहता है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, मेरा नाम साओ चोंग है। जिसके बाद हमें दाफानिस टेम्पल का सीन दिखाया जाता है और उसकी छत पर साओसी बैठा होता है और उसके पास क्वेनलियो आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें सारी जगह ढूंढ ली और तुम यहाँ बैठे हुए हो, और उससे पूछती है कि वो आखिर तेंकाई सिटी वापस क्यों नहीं गए। जिस पर साओसी बताने लग जाता है कि सुनियान सिटी जो है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, यहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं और एक दूसरे की काफी ज्यादा हेल्प करते हैं और एक साथ रहते हैं, यहाँ की जो चीजें है वो कहीं और नहीं मिलेगी, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनियान सिटी। जिस पर क्वानलियो कहती है कि क्या सिर्फ इसी वजह से तुम सुनियान सिटी से नहीं गए, जिस पर साओसी यस कहता है। जिसके बाद हमें चैंग फेंग और ली होंगिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ली होंगिया को माउंट क्लैन वापस जाने के लिए कह रहे होते हैं क्योंकि बाइली यहाँ पे वापस नहीं आएगा। जिस पर ली होंगिया जो है वो चैंग फेंग के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम्हारा क्या, और चैंग फेंग कहते हैं कि मैं यही रहूंगा क्योंकि मैं यहाँ का सिटी लॉर्ड हूँ और ये सुनियान सिटी जो है वो मार्शल आर्ट वर्ल्ड है। जिस पर ली होंगिया कहती है कि आपके डिसिपल्स का क्या, वो क्या करेंगे, जिस पर चैंग फेंग कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है और इनफैक्ट उसने मुझे ली फोर टेंस हैंडल करने के लिए भी कहा। जिस पर ली होंगिया कहती है कि आखिर वो ली फोर टेन क्यों जा रहा है, जिस पर चैंग फेंग बताते हैं क्योंकि ली वुजिन ने उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। जिस पर ली होंगिया कहती है कि क्या बकवास है, सच में उसने पार्टिसिपेट किया है, और इस पर चैंग फेंग कहते हैं कि उससे ज्यादा बकवास तो ये है कि मैंने उसे यस कह दिया। और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साउसी दाफानिस टेम्पल की छत पे खड़ा था और वहाँ पे चैंग फेंग आते हैं और साउसी से पूछते हैं कि आखिर ली फोन टेन रन कॉन्टेस्ट में आखिर वो क्यों जा रहा है। अभी वो सुनियान सिटी में रह रहा है तो वो यहीं पे रहे, क्योंकि पहले तो उसने ऐसे किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का नहीं सोचा। जिस पर साउसी कहता है कि मैं बस ली वुजिन को जीतते हुए देखना चाहता हूँ कॉन्टेस्ट में, जिस पर चैंग फेंग कहते हैं कि ये बहुत बकवास बहाना है। जिस पर साउसी बताता है कि उसने एज़वर ड्रैगन टोकन लिया है अपनी मदर का, वो भी ये जाने बिना कि मैं आखिर कौन हूँ, मैं बस उसके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं उसके साथ नहीं रहूँगा तो वो खुद को ही चोट पहुँचा लेगा। जिस पर चैंग फेंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र है लेकिन तुम मेरे वर्ड्स को याद रखना। जिस पर साउसी कहता है कि क्या आप मुझे तेंकाई सिटी में वापस भेजना चाहते हैं, जिस पर चैंग फेंग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था क्योंकि मुझे सासुआन ने कहा था कि कुछ लोग जो है वो कभी चेंज नहीं होते, लेकिन देखो मैंने उसको गलत साबित कर दिया, तुम तो वापस तेंकाई सिटी में नहीं गए। और प्रेजेंटली वो ये सारी चीज़ें बता रहा होता है, साथ में ये भी बताता है कि सासुआन जो है वो भी ली फोनटेन कॉन्ट्रेस्ट को हैंडल कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि वो दोनों एक दूसरे को देखें, और यही एक रीज़न है जिस वजह से मैं नहीं चाहता कि वो वहाँ जाए। जिस पर ली होंगे कहती है कि तुम फिक्र मत करो मैं उन्हें ज्वाइन करूंगी, जिस पर चैंग फेंग उसे मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ली होंगे जो है वो कहती है कि मैं उनके साथ जाऊंगी, और इस पर चैंग फेंग भी कुछ नहीं कह पाते और उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जाने देना चाहता था इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे सीनियर ब्रदर बाइली को वापस बुलाया है। जिस पर ली होंगे उसे मना कर देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है मैं वहाँ जा रही हूँ। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वुशियांग सिटी का, जहाँ पर वु चैंग और उसके फादर होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या वो चले गए, एंड ली कहता है कि हाँ वो चले गए। और जो वु चैंग के फादर होते हैं वो कहते हैं कि वो प्रिंस बिल्कुल ही ऑर्डिनरी है, जिस पर ली उन्हें बताता है कि वो ब्लाइंड है। जिस पर वु चैंग कहता है कि ये लगता है मुझे पहली बार है कि वुशियांग सिटी में कोई इतनी बैड मेमोरी वाला सिटी लोड होगा।
लेकिन वो कहता है कि प्रिंस बाई शाओचोंग जो है वो भले ही ब्लाइंड हो लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब उनकी एक तरह से तारीफ करने लग जाता है, और अपने बारे में कहता है कि मेरी बैड मेमोरी है क्योंकि मैं सिर्फ याद करने वाली चीज़ों को ही याद रखता हूँ, और कहता है कि मुझे बस उस टाइम का इंतज़ार है जब मैं तेंकाई सिटी में एंटर होऊंगा, जिस पर उसके फादर मना करते हैं और कहते हैं कि ये राइट टाइम नहीं है, जिस पर वो एक पाम नाम का गेम खेलने के लिए मना कर देता है और कहता है कि इससे अच्छा था मैं विकी प्ले करना चाहूँ। जिसके बाद हमें वू चिन और साउसी को दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों यहाँ पर फेयरवेल के लिए खड़े होते हैं, और यहाँ पे वूजिन जो है वो सबसे फेयरवेल लेता है जबकि सामने कोई नहीं होता, और तभी वहाँ पे तेंगला याद और साथ में फेरी रोई भी होती है, जिसके बाद जो वूजिन है वो कहता है कि हम बस बैंक्वेट में जा रहे हैं और कुछ दिनों बाद यहाँ पे वापस आ जाएंगे, जिस पर तेंगला कहता है कि मुझे टैंकलान सिटी जाना है मिस ये को वहाँ पे छोड़ने के लिए, जिस पर वूजिन कहता है कि आप टैंकलान सिटी क्यों जा रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा रूड होगा आपके लिए, एक काम कीजिए आप मेरे साथ चलिए, मेरी मास्टर जो है वो बहुत अच्छी हैं, जिस पर साउसी उसे चुप करवाता है, वो सभी एक दूसरे को फेयरवेल बोल के वहाँ से जाने लगते हैं, और उसे जाते हुए रू ये कहती है कि वो वल्गर और यूथ दोनों से ही भरा हुआ है, और साउसी को जाते हुए क्वेल्यू भी देख रही होती है, जिसके बाद उसके फादर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो वो वापस आ जाएगा, जिसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साउसी और वूजिन जो है वो थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रुके होते हैं, और साउसी उससे कहता है कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है ना, और वूजिन कहता है कि हाँ मुझे पता है मेरे ख्याल से यही जाना होगा और माउंट वैन जंग के ऊपर से जाएंगे, और साउसी कहता है कि आखिर तुम उसे हैंडल कैसे करोगे, जिस पर वूजिन कहता है कि हम उसे इन्वाइट कर लेंगे डैटी में, और कहता है कि सोचो ली फोर ट्रेंड्स में तीन फ्रेंड इकट्ठा हो सकते हैं, मुझे यकीन है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिस पर साउसी जो है वो उसके मुंह में वो बन डाल देता है और कहता है कि क्या सोच रहे हो तुम, जिस पर वूजिन फिर से अपनी सफाई देने लग जाता है और कहता है कि क्या पता वो इतने टाइम से इसलिए वेट कर रहे हो कि हम फर्स्ट स्टेप उठाएंगे, तो बहुत ज्यादा इजी होगा हमें वहाँ जाना है माउंटेन क्रॉस करना है और वहाँ से निकल जाना, तुमने कभी ट्राई नहीं किया इसलिए तुम्हें नहीं पता, और अपनी काफी अजीब अजीब से हरकतें करने लग जाता है, और उसकी ऐसी हरकतें देखकर साउसी कहता है कि ये तुम्हें सूट करता है, जिसके बाद हमें माउंट क्लैन वैंगशोंग को दिखाया जाता है जो कि ली होंगियो को चैलेंज करने आया था, और उसके साथ उसका मास्टर भी होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि ली होंगियो से पिछले टाइम पे मिला था और हमें फ्लैशबैक में दिखाया गया था वही है, और जो मास्टर है वो फैंगशोंग से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ से 6 महीने पहले गए थे और कितने अच्छे से कितने लेट आए हो, मुझे सच सच बताओ कि तुम कहाँ गए थे, और फैंगशोंग जो है उन्हें पता चल जाता है कि मास्टर को पहले से सारी चीज़ें पता है, इसलिए वो बताने लग जाता है कि वो सुनिया सिटी में गया था स्क्वाड डैटी को चैलेंज करने, जिसके बाद मास्टर पूछते हैं कि क्या तुमने उसे देखा, जिस पर वो कहता है स्क्वाड डैटी हाँ मैंने उन्हें देखा और उन्होंने अपनी ब्यूटीफुल डे वाली मार्शल आर्ट को किया था, जिसके बाद मास्टर भी बताने लग जाता है कि उसने भी उसे देखा था, फ्लैशबैक को याद करता है जब उसने भी उससे फाइट करते टाइम अपनी ब्यूटीफुल डे स्क्वाड को चलाया था, इससे पहले ये सब सुनियान सिटी को अपने फ्रूट्स देने के लिए 8 लाख सिल्वर टेस्ट मांगने वाले थे, लेकिन इस बात को तो ये भूल ही जाते हैं, और आज का एक्सप्लेनेशन होता है यहीं पर खत्म।